अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। आज मैं बनाऊंगी मेथी आलू और गोभी का सालन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और सब्ज़ियां तो वैसे भी खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ मेथी गोभी और आलू का सालन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, गोभी को अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, इसको हमने नमक लगाना है हल्का सा, और इसको हम रखेंगे किसी भी बर्तन में, और इसका जो ये पानी छोड़ती है उस पानी को हमने फेंकना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, तो फिर हम मेथी को तैयार करेंगे। एक मैंने प्याज कटिंग कर लिया है, 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और लहसुन लिया है बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। इसके अलावा 2 मैंने टमाटर कटिंग कर लिए हैं, गोभी ली है, 1 मैंने गोभी कटिंग की है, 2 मैंने आलू कटिंग कर लिए हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कढ़ाई का मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, साल्ट 1/2 टीस्पून, और सिनेमन के कुछ पीसेस लिए हैं। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि जो हमने इस पर नमक डाला है, तो सबसे पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं मेथी को। जी, एक पैन लिया है मैंने, इसमें हम मेथी ऐड करेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। जी, मेथी मैंने ऐड कर दी है, तो इसमें हमने हल्का सा नमक भी ऐड किया हुआ है। इसको हम कवर करेंगे और इसका जो पानी निकलेगा उस पानी को हमने फेंकना होता है। बिल्कुल 0 आंच पर इसको मैंने कवर कर दिया है। बिल्कुल 1 मिनट तक हम इसको हल्की सी भाप में रखेंगे, और इसका जो पानी निकलेगा उस पानी को हमने जो है वो फेंक देना होता है, और मेथी को हल्का सा सौते करना होता है। इसका पानी जो है वो हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितना पानी जो है वो इसका निकला है। पानी को हम फेंक देंगे, पानी मैंने फेंक दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल और मेथी को हल्का सा सौते करेंगे। जी, मेथी को मैंने सौते कर लिया है, फ्लेम को ऑफ करते हैं, मेथी को निकाल लेते हैं। जी, एक पैन लिया है मैंने, इसमें ऑयल ऐड किया हुआ है, ये गर्म हो जाएगा तो अनियन को सौते करेंगे। जी, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अनियन सौते करते हैं। जी, अनियन को मैंने सौते कर लिया है, तो अब इसमें गार्लिक ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ। सब्जियों में इस तरह से डाला करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इसको भी सौते करेंगे। जी, गार्लिक को भी मैंने सौते कर लिया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे आलू, और 5 मिनट भाप में पकाना है। जी, आलूओं को मैंने 5 मिनट भाप में बना लिया है, तो इसमें गोभी ऐड करते हैं, और गोभी को भी हम थोड़ी देर इसमें 2 से 3 मिनट जो है वो गोभी को भी पकाएंगे। जी, गोभी को भी मैंने 2 मिनट जो है वो पका लिया है, कुक कर लिया है, तो अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर और टमाटरों की भुनाई करेंगे। जी, टमाटरों को मैंने भून लिया है, तो इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला जात को मैंने मिक्स कर लिया है, तो इसमें मेथी ऐड करते हैं और मिक्स करेंगे, मेथी को अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे। जी, मेथी को भी भून लिया है, तो हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है मेथी आलू और गोभी का सालन, जो कि तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो BLI चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।